नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण वर्मा और आज आपका स्वागत करता हूँ उस चैनल फ्राइड टेस्ट में। आज हमारे पास है टाटा अल्ट्रा T16 स्लीपर केबिन। आज हम जानेंगे कि स्लीपर केबिन और डे केबिन में क्या क्या हमें ऑप्शंस मिलेंगे, क्या क्या टाटा अल्ट्रा T16 में वेरिएबल्स हैं, क्या क्या अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल है, क्या वारंटी है, क्या प्राइस है, और इसी के साथ गाड़ी की और भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी टाटा अल्ट्रा T16 स्लीपर केबिन। सबसे पहले हम बात करें इस गाड़ी में लगे हुए इंजन की, तो इस गाड़ी में लगा हुआ है टाटा का 5 लीटर 4 सिलेंडर न्यू जनरेशन BS6 इंजन, जो कि जनरेट करता है 177 हॉर्स पावर 2400 आरपीएम पी। अगर हम टॉर्क की बात करें तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 590 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1000 से 2000 आरपीएम पर। अगर वारंटी की बात करें तो अब हमें यहाँ पे 3 साल 3 लाख किलोमीटर की ड्राइव लाइन वारंटी मिल जाती है। प्राइस रेंज यहाँ पे जिस डीलर से आप ले रहे हैं और जो गाड़ी का वेरिएंट है, मॉडल है, उससे वेरी कर सकती है। नॉर्मली इस गाड़ी की प्राइस 23 लाख से 25 लाख के आसपास रहती है। और यहाँ पे हम गेयर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे G77 750 का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जिसके अंदर 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गेयर का ऑप्शन मिलेगा हमें। 352 डाई की यहाँ पे क्लच प्लेट यूज करी गई है। सस्पेंशन सिस्टम की बात कर लें तो यहाँ पे फ्रंट में हमें पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग मिलती है और रियर में हमें, मतलब पीछे की तरह, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस गाड़ी की रफ्तार हमें मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं ये गाड़ी हमारी किस किस वेरिएंट्स में अवेलेबल है। टाटा अल्ट्रा T16 हमें केबिन चेसिस और लोड बॉडी दोनों में ही मिल जाती है। केबिन चेसिस के अंदर हमें PTO प्रोविजन भी अवेलेबल है। इसी के साथ ये गाड़ी हमें डे केबिन और स्लीपर केबिन दोनों में ही अवेलेबल है। ये गाड़ी जो अभी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी स्लीपर केबिन आपको दिख रही है। डे केबिन और स्लीपर केबिन में कुछ चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो फ्यूल फ्यूल मतलब डीजल टैंक होता है, डे केबिन में 160 लीटर का डीजल टैंक होता है, वहीं स्लीपर केबिन में हमें 250 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। ग्रेडेबिलिटी की बात करें, मतलब गाड़ी की चढ़ाई लांघने की क्षमता, तो डे केबिन में 25.2% की ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है और स्लीपर केबिन में 24.9% की ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है। और डे केबिन में हमें यहाँ पे रेडियल ट्यूब वाले टायर मिल जाएंगे 9R20 16 ply रेटिंग के, वहीं हमें स्लीपर केबिन में 275/80R22.5 के रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पे हमें GVW भी दोनों में, डे केबिन और स्लीपर केबिन में अलग रहेगा। डे केबिन में यहाँ पे 16020 का GVW रहेगा, वही स्लीपर केबिन में 16190 का GVW मिलेगा। डे केबिन वाली गाड़ी में हमें 4 लंबाई मिल जाएगी, 17 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट। वहीं अगर स्लीपर केबिन में हमें देखें तो यहाँ पे 3 ही लोड बॉडी ऑप्शन मिलेगा, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट। और दोनों ही डे केबिन स्लीपर केबिन में हमें ग्राउंड क्लियरेंस 228 mm का मिलेगा। चलिए अब हम गाड़ी को फ्रंट साइड से देखते हैं। सबसे पहले हमें देखिएगा गाड़ी का वर्ल्ड क्लास केबिन। अब हम चलते हैं गाड़ी के पास। यहाँ पे हमें मिलेगी गाड़ी की टाटा की बैजिंग क्रोम फिनिश के साथ, ये टाटा का मोनो। यहाँ पे इसी के साथ हमें यहाँ पे टाटा अल्ट्रा T16 की क्रोम फिनिश में बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं 3M के। यहाँ पे ये हमें 3 पीस का बम्पर मिलेगा। इसी के साथ हमें यहाँ पे फ्रॉग लैंप लगाने का ऑप्शन भी मिलेंगे। यहाँ पे एक मेटेलिक बम्पर, ये हमारे पार्किंग और ये हमारा हेडलैम्प, डुअल बल्ब हेडलैम्प मिलेगा यहाँ पे हमें, जो कि ब्राइट लाइट देगा। ये टाटा की फिनिश के साथ साइड रिफ्लेक्टर्स। और ड्राइवर की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे मिरर्स का यूज करा गया है, जिससे कि ड्राइवर अपने जो नीचे की तरफ है वो भी देख सके। ये फ्रंट में बॉटम की तरफ देखने के लिए ये मिरर का यूज किया जाता है। अब हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये मिरर्स, जो कि ड्राइवर्स
की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ये जो डोर हैंडल्स हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अल्ट्रा में यूज़ किए जाते हैं। ये हमारा पार्किंग, ये अल्ट्रा की बैजिंग क्रोम फिनिश के साथ, और यहाँ पे काफ़ी बड़े फुट स्टेप ड्राइवर को आसानी से केबिन के अंदर चढ़ने के लिए। यहाँ पे ये एयर डक गाड़ी का, और इसी के साथ यहाँ पे एयर फिल्टर का इंडिकेटर अंदर की तरफ, ये देखिए ये इंडिकेटर होता है। इसी के साथ यहाँ पे हमें टैप टैंक मिल जाएगा 25 लीटर का, 25 लीटर्स का, जिसे यूरिया टैंक भी बोला जाता है। ये हमारी गाड़ी का फ्यूल टैंक। इस गाड़ी में 3M का रेडियम लगा हुआ है जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंपलसरी है। यहाँ पे हमें स्टॉपर्स भी मिल जाते हैं, दो स्टॉपर्स मिलेंगे। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें टाटा का बड़ा सा बैजिंग दिखेगी। इसी के साथ यहाँ पे टेल लैम्प बल्ब वाले ही मिलेंगे, नॉर्मल टेल लैम्प। इसी के साथ यहाँ पे रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम को ऐड किया गया है, जो कि 1.5 मीटर तक कुछ भी गाड़ी, जब हम गाड़ी रिवर्स लेंगे तो आपको ड्राइवर केबिन में पता पड़ जाएगा पीछे कोई ऑब्स्टिकल है। यहाँ पे 5 सेंसर्स का यूज़ करा गया है। ये है गाड़ी की लेफ्ट प्रोफाइल। यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पेयर व्हील मिलेगा रियर साइड में, जिसे ड्राइवर अपने टूल्स की मदद से खोल सकता है। गाड़ी में यहाँ पे रेडियम लगा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे ये है हमारी पार्किंग लाइट्स, साइड पार्किंग लाइट्स, और इस गाड़ी के अंदर 24 वोल्ट की सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई 24 वोल्ट की रहेगी। और यहाँ पे हमें हाइड्रोलिक टिल्टेबल केबिन दिया हुआ है, जिसको ज़रूरत पड़ने पे काफ़ी आसानी के साथ उठाया या फिर लगाया जा सकता है। ये लीवर केबिन लॉक का, यहाँ पे कूलेंट भी ड्राइवर बाहर से ही देख सकता है, कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, कूलेंट लेवल देख लेंगे। उसी के साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड में ड्राइवर की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक मिरर और यहाँ पे ऐड किया गया है, जिससे कि लेफ्ट साइड का को ड्राइवर नहीं हो तो भी वो नीचे की तरफ देख सकता है ड्राइवर इजीली। चलिए अब हम गाड़ी के अंदर की तरफ चलते हैं। टाटा अल्ट्रा BS6 का जो केबिन है, BS4 से कुछ ज़्यादा सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करें। चलिए अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। इनर साइड से भी ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। ये है हमारा डोर, इसके अंदर काफ़ी सारी स्पेसेस हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लॉक, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, और यहाँ पे कुछ ये बॉटल होल्डर, 1 लीटर बॉटल होल्डर यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, और यहाँ पे स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में लगा हुआ है। यहाँ पे ड्राइवर के कंफर्ट के लिए हमें 3-way एडजस्टमेंट सीट मिल जाती है, जिसे इस नॉब के थ्रू ड्राइवर एडजस्ट कर सकता है अपने वेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये लीवर, इसके अंदर ये फैसिलिटी अच्छी है कि ड्राइवर अपने वेट के अकॉर्डिंग ये न्यूमेटिक सीट को एडजस्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी आरामदायक है। अब हम गाड़ी की सीट पे बैठ चुके हैं, काफ़ी आरामदायक है लंबे सफ़र के लिए, ड्राइवर के लिए काफ़ी आरामदायक रहेगी। और यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल है, जिसने ऊपर चढ़ने में काफ़ी मददगार साबित होता था। यहाँ पे हमारा स्टेयरिंग व्हील। यहाँ सबसे पहले हम बात करें विजिबिलिटी की, तो यहाँ पे हमें विजिबिलिटी के लिए गाड़ी में मिरर्स मिल जाते हैं। ये देखिए इस मिरर में हम नीचे का देख सकते हैं, इस मिरर में पूरा हम नीचे पीछे आगे का सब देख सकते हैं। इसलिए टाटा ने अल्ट्रा केबिन में विजिबिलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस करके बढ़ाया है। ये हमारा 4-wheel स्पोक्स का स्टेयरिंग व्हील है, पावर स्टेयरिंग मिल जाता है हमें यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स लेफ्ट में और राइट में, ये वाइपर कंट्रोल्स, पार्किंग कंट्रोल्स, ये लाइटिंग कंट्रोल्स होते हैं। यहाँ पे पार्किंग लाइट्स के कंट्रोल और एक्स्ट्रा स्विच लगाने के लिए स्पेस।
ये हमारे कुछ स्विचेस हैं, रीजनरेशन स्विचेस जो डैशबोर्ड में माउंट है, एबीएस का स्विच, काफ़ी सारे फंक्शनिंग स्विचेस हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में। यहाँ पर हमें टाटा का म्यूजिक सिस्टम भी इंस्टॉल होके मिलेगा। ये हमारा ब्लोअर स्विच, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस भी मिलेंगे, ये ब्लोअर वेंट, एक्स्ट्रा स्विचेस लगाने के काफ़ी स्पेसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे दो चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे और एक मल्टीपर्पस पॉइंट भी मिलेगा। ये हमारी गाड़ी का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके अंदर गाड़ी के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स दिखाई जा सकती है। यहाँ पे हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, ये बजर। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी स्पेसेस मिलेंगी गाड़ी के अंदर, जैसे ये डिग्गी बनी हुई, ग्लव बॉक्स, ये ब्लोअर का वेंट्स और इसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए रोल्स। यहाँ पे हमें लाइटिंग्स के साथ ग्लव बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे भी काफ़ी यूटिलिटी स्पेसेस हैं जिसमें ड्राइवर अपने सामान रख सकता है। ये हमारा कंडक्टर साइड का गेट, ये भी सिमिलर ही है। यहाँ पे स्पेस बचाने के लिए गियर बॉक्स लीवर को डैशबोर्ड पे माउंट करेगा, यहाँ पे हमें 6+1 गियर ऑप्शन मिलेगा। ये है हमारे कप होल्डर्स मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी सारी यूटिलिटी स्पेसेस, ये हैंडब्रेक का लीवर, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्विचेस लगाने के लिए स्पेसेस, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे ड्राइवर अपना सामान रख सकता है। सनवाइजर की अगर बात करें तो ड्राइवर और को ड्राइवर को यहाँ पे दोनों को मिलेगा, और यहाँ पे फिर से फाइलिंग के लिए स्पेसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये हमारी रीडिंग टॉर्च है, यहाँ पे ऑप्शन है ड्राइवर कितने यूज टॉर्च का यूज करना चाहता है। यहाँ पे फिर ड्राइवर की तरफ हमें कुछ यूटिलिटी स्पेसेस मिलेंगी, यहाँ पे मोस्टली डॉक्यूमेंट रखे जा सकते हैं। यहाँ पे हमें एलईडी लैंप मिलेगा, रीडिंग लैंप, जो कि काफी ब्राइट है, ब्राइट होने के साथ ही साथ ये काफी अच्छी रोशनी भी देता है। और यहाँ पे ये स्लीपिंग बर्थ मिल जाएगी, बिकॉज ये स्लीपिंग केबिन है हमारा। यहाँ पे काफी अच्छी स्पेस है, चलिए इसको उठा के देखते हैं क्या है। सीट को उठाने के बाद यहाँ पे स्पेस मिलेगा, यहाँ पे मोस्टली टूल किट वगैरह रख सकते हैं। इसको नीचे करने के बाद ये नॉर्मल हमारी स्लीपिंग बर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे विंडोज रोशनी के लिए। आज आपने जाना टाटा अल्ट्रा T16 के बारे में, काफ़ी सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जिस ज़रूरतमंद को ज़रूरत है वीडियो को, उसको अगर आपकी कोई दिक्कत परेशानी या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।